नमस्कार, मेरा नाम विपुल है और मैं पिछले 6 साल से अस्मिता थिएटर ग्रुप के साथ एज एन एक्टर काम कर रहा हूँ। उसके साथ साथ एक छोटा सा हम लोग टूर एंड ट्रैवलिंग का बिजनेस भी करते थे। सो लॉकडाउन की वजह से जो बहुत ज़्यादा अफेक्ट हुआ है, उसके साथ कुछ स्लम्स के अंदर बच्चों के एडुकेशन के ऊपर भी हम लोग काम करने की कोशिश करते हैं। सो जैसे अस्मिता के साथ मैंने बताया कि मैं 6 साल से एज एन एक्टर काम कर रहा हूँ, तो हमारा ऐसा कोई दिन नहीं होता था शायद जिस दिन हम लोग नुक्कड़ नाटक ना कर रहे हों या मंच के नाटक ना कर रहे हों। तो हर रोज़ कुछ ना कुछ हम लोग करते रहते थे, जैसे अरविंद सर के रिहर्सल में आना, अरविंद सर से बातचीत करना, और हम लोग कैसे समाज को बेहतर कर सकते हैं। सिर्फ और सिर्फ नाटक करना ही हमारा उद्देश्य नहीं था, नाटकों के माध्यम से हम लोग समाज को कैसे चेंज करते हैं इसके ऊपर हम लोग ज़्यादा काम करते हैं। हम लोग सोशल पॉलिटिकल इश्यूज़ पे काम करते हैं, जैसे आमतौर पर सब लोगों को पता ही है अस्मिता कैसे काम करते हैं। हाँ, ये बात सच है कि लॉकडाउन ने बहुत ज़्यादा अफेक्ट किया है। पिछले 3 महीने से मैं खुद दिल्ली में नहीं पहुंचा जहाँ मेरा घर है, मैं खुद यूपी के अंदर स्टक हूँ। तो कुछ ना कुछ हर किसी ना किसी के साथ कहीं ना कहीं परेशानियाँ चल रही हैं, और डेफिनेटली ये जो COVID-19 जो इतनी बड़ी महामारी आई है, इन सब से हमको कहीं ना कहीं कॉपअप होना पड़ेगा। इस सिचुएशन के साथ कॉपअप होने की ज़रूरत है सबको बहुत ज़्यादा। इनिशियल लेवल पर बहुत ज़्यादा दिक्कतें आ रही थी, तो उसी दौरान मैंने एक छोटा सा इनिशिएट लेने का कोशिश किया जिसका नाम मैंने अपनी बैठक रखा। तो कोशिश यही था कि जितने भी मेरे फॉलोअर्स हैं और जिनको भी मैं इनवाइट कर रहा हूँ, तो वो लोग जो आएंगे उनके भी कुछ फॉलोअर्स होंगे, कुछ व्यूअर्स होंगे, तो कुछ ना कुछ नया सीखे कि उनकी जो जर्नी रही है वो कैसे दूसरे लोगों की लाइफ के ऊपर इम्पैक्ट लेकर आ सकते हैं, कैसे उनकी लाइफ को चेंज करने में सहयोग कर सकते हैं। जैसे फॉर एन एग्जाम्पल, मुझे याद है कि मैंने फर्स्ट स्पीकर बुलाया था, वो अजातिका सिंह थी। शी इज़ फ्रॉम ABP न्यूज़ चैनल। वो ग्राउंड लेवल पर रिपोर्टिंग कर रही है। तो बहुत सारी चीज़ें होती है जो हमें न्यूज़ चैनल के माध्यम से नहीं पता चल पाती, लेकिन ग्राउंड लेवल पर कुछ और होता है। ऐसे ही सेकेंड स्पीकर जो हमारे थे वो साइबर सिक्योरिटी कंसल्टेंट थे, रुपेश मित्तल, ही इज़ फ्रॉम हैदराबाद। उसके बाद थर्ड स्पीकर धीरज कोला, वो माइक्रो कार्विंग आर्टिस्ट। देन फोर्थ एक मेडिटेशन के ऊपर पब्लिक हेल्थ के ऊपर काम कर रही हैं, वो आकांक्षा बत्रा, यूनिवर्सिटी ऑफ सैन फ्रांसिस्को कैलिफोर्निया से। उसके बाद नेक्स्ट पूजा राय को इनवाइट किया, जो एंटिल क्रिएशन में, मतलब पिछले 4 साल में जिन्होंने ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 250 प्लेग्राउंड्स बना दिए स्क्रैप टायर से। तो इस तरीके से कोशिश था कि हर बार हर रोज़ जितने मैं बैठक कर सकता हूँ, जितने लोगों को मैं इनवाइट कर सकता हूँ, जो डिफरेंट प्लेटफॉर्म पे डिफरेंट डिफरेंट फील्ड पे लोग काम कर रहे हैं, वो लोग आए और अपना आइडियाज़ शेयर करें कि उनके दिमाग में इस तरीके का यूनिक आइडिया कैसे आया कि वो आज वो लोग इस लेवल पर पहुँचे। तो वो अभी तक बहुत अच्छा चल रहा है। मतलब लॉकडाउन ने मेरा, मतलब ये एक छोटा सा इनिशिएटिव था मेरा कि हाँ, मैं खुद को भी एंगेज कर पाऊँ, साथ में दूसरे लोगों को भी एंगेज कर पाऊँ एक प्रोडक्टिव मैनर के अंदर। तो वो अभी चल ही रहा है, और लॉकडाउन के साथ अभी भी सिचुएशन है कि हम लोग आगे फ्यूचर में कैसे थिएटर करने वाले हैं। अगले 6 महीने बहुत ज़्यादा हम सबके लिए बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग रहने वाले हैं, क्योंकि टेक्नोलॉजी आ रही है। आज मैं जैसे बात कर रहा हूँ, एक वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो पहले था कि किसी को फ़ोन पकड़ा के भाई रिकॉर्ड करो, लेकिन आज कहीं ना कहीं जुगाड़ करके फ़ोन रखा हुआ है और मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ। तो इस तरीके का ट्रांसफॉर्मेशन हमें लाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है अपने लेवल पर। और मैं ये कहना चाहूँगा उसके साथ, हम हर साल पिछले 4 साल से मैं एक जागृति यात्रा, एक वर्ल्ड लॉन्गेस्ट ट्रेन जर्नी है। सो जिसका ऑब्जेक्टिव यही होता है कि हम लोग भारत को कैसे बेहतर बना सकते हैं एंटरप्रेन्योरशिप के द्वारा। तो उसमें हज़ारों लोगों ने अप्लाई करते हैं, और लगभग 400 450 लोग हर साल इस रेल यात्रा का हिस्सा बनते हैं। तो उसके ऊपर भी डिस्कशन हो रहा है कि हाँ, इस साल रेल यात्रा कैसे जाएगी और कैसे हम लोग पूरा इंडिया घूमेंगे, क्योंकि उसमें 8,000 किलोमीटर, 12 स्टेट्स, 15 रोल मॉडल्स हम लोग इंटरेक्ट करते थे हर साल। तो वो भी एक चैलेंजिंग है कि हाँ, ये सारी चीज़ें कैसे प्लेटफॉर्म पर दोबारा आएंगी, दोबारा कैसे एक ट्रैक पर हम लोग लेकर आएंगे। और जैसे हम लोग थिएटर करते हैं, तो जाहिर सी बात है, जहाँ तक मुझे लगता है कि हमें थ्रू डिजिटल मीडिया इसी का सहारा लेना पड़ेगा आने वाले कुछ टाइम में। और मैं यही एडवाइस करना चाहूँगा, जैसे ही लॉकडाउन में, अभी हम लोग पैंडेमिक चल रहा है, जैसे ही लॉकडाउन ख़त्म होगा, तो आप सब लोग अपनी सेहत का ज़रूर ध्यान रखिए, क्योंकि जान है तो जहान है। अगर आप सेहत का ध्यान अच्छे से रखेंगे तो डेफिनेटली आगे हम लोग काम कर सकते हैं, क्योंकि जो करोना है वो किसी का पैसा देखकर, किसी की जात देखकर, किसी का धर्म देखकर नहीं आ रहा। जो भी है, अगर इससे आपको बचना है तो इसके अंदर आपको खुद ही अपनी सेफ्टी करना पड़ेगा। सो जैसे कि आप सोशल डिस्टेंसिंग का मेंटेन करके रखिए, जैसे भी अब लॉकडाउन ख़त्म होगा तो सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करके रखिए, मास्क पहन के रखिए, और कोशिश कीजिए कि जब भी आप घर से बाहर निकल रहे हैं तो वापस जब आप आएंगे, अपने आप को सैनिटाइज़ कीजिए, हैंड को अच्छे से वॉश कीजिए। और जहाँ तक मैंने पर्सनली फील किया है कि
हार्ड कैश को कम थोड़ा सा यूटिलाइज कीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से मिलने की ज़रूरत नहीं है हाल फिलहाल। कोई बात नहीं, अगर अभी हम लोग नहीं मिलेंगे थोड़े टाइम के बाद मिलेंगे, कोई बुरा मानने वाला नहीं है, कोई कुछ ऐसा होने वाला नहीं है। तो आप लोग सब अपना ध्यान रखिए, तो हम भी इससे लड़ने की कोशिश कर रहे हैं, आप लोग भी लड़िए, अपना ध्यान रखिए, अपना शरीर स्वास्थ्य रखिए। सो मैं एक और बात कहना चाहूँगा इसके माध्यम से कि इससे हम लोग देख रहे हैं बहुत सारे माइग्रेंट्स सड़कों पर हैं, बहुत सारे लोगों को हमारी एक्चुअल में ज़रूरत है। तो आप लोग जहाँ पर भी हैं, जिस भी लेवल पर हैं, अगर कोई मदद कर सकते हैं तो प्लीज़ प्लीज़ करने की कोशिश कीजिए। क्योंकि मैंने एक इनिशिएट लेने का कोशिश किया था ब्लड डोनेशन का, क्यों लॉकडाउन के टाइम पर, क्योंकि कोरोना था, लॉकडाउन है, हर जगह बाउंडेशन किया हुआ है, हॉस्पिटल्स में अलाउड नहीं कर रहे, तो बहुत सारे हम लोग भूल रहे हैं कि थैलीसीमिया के और डायलिसिस के पेशेंट्स को ब्लड चाहिए होता है। अब ब्लड बैंक एम्प्टी हो चुके हैं, अब जब वो ब्लड बैंक एम्प्टी हो चुके तो उन तक ब्लड कैसे पहुँचेगा? तो इसका मतलब जितने लोग कोरोना से नहीं मरे उससे ज़्यादा मल्टीपल लोग बिना ब्लड की, बिना ब्लड से मर चुके हैं। तो आप सभी से गुजारिश है, जहाँ तक भी हो सके आप लोग कोशिश कीजिए कुछ लोगों की मदद करने के लिए, जहाँ तक भी संभव हो सके आप लोग कीजिए। और सावेरी गौर को मैं बहुत बहुत थैंक्स कहना चाहूँगा। सावेरी गौर, विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर, आप लगे रहिए, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, और थैंक यू सो मच, टेक केयर।